डियर स्टूडेंट, होप यू विल बी फाइन। आज हम बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, हमने ऑपरेटर्स के बारे में स्टडी किया था और देखा था कि ऑपरेटर्स क्या हैं। ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें तो ऑपरेटर्स ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनका कि यूज़ करके आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। स्टूडेंट्स, हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में देखा, हमने कंडीशनल ऑपरेटर्स के बारे में स्टडी किया, आज हम बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, इंटरनली जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है मशीन में, वो जीरो और वन की फॉर्म में सेव होती है और यही हमारी बिट लेवल प्रोग्रामिंग कहलाती है। बिटवाइज ऑपरेटर्स का बेसिकली पर्पस ये होता है ऐसे ऑपरेशंस को परफॉर्म करना डेटा पर जो कि बिट लेवल के हों, यानी बिट लेवल पे जीरो और वन पे सारे के सारे ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं। व्हेन वी परफॉर्म द बिटवाइज ऑपरेशन, जब हम बिटवाइज ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं तो इस प्रकार की प्रोग्रामिंग को बिट लेवल प्रोग्रामिंग कहा जाता है। बिट लेवल, इसमें दो डिजिट्स आते हैं, आप इसको बाइनरी भी कह सकते हैं, जीरो और वन, जो भी प्रोग्रामिंग होती है। स्टूडेंट्स, जो हमारी बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं या फिर हम कह सकते हैं जो हमारी बिट लेवल प्रोग्रामिंग है, वो न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन पे यूज़ होती है जिससे कि हमारी कैलकुलेशंस क्या हो जाएं, फास्टर हो जाएं। क्योंकि मशीन जो होती है वो डायरेक्टली बाइनरी डाटा को मैनिपुलेट करती है, बाइनरी डाटा को अंडरस्टैंड करती है। स्टूडेंट्स, हमारे पास में इसमें बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करें एंड की, तो ये जो होता है हमारा वो बिटवाइज एंड ऑपरेटर होता है, ये हमारा बिटवाइज और ऑपरेटर है। इसकी बात करें तो ये हमारा बिटवाइज एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर है, इसका यूज़ हम टाइल्ड के रूप में भी करते हैं और ये हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट भी होता है। स्टूडेंट्स, हमारे पास में अगर लेस देन के दो साइन लगे हुए हैं तो ये हमारा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर कहलाता है और ये हमारा राइट शिफ्ट ऑपरेटर कहलाता है। देखिए, जो भी हमारी शिफ्टिंग होती है बिट्स में, वो एक्चुअल में न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन में जो भी आप न्यूमेरिकल परफॉर्म करते हैं, एडिशन करते हैं या फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो इनमें डेटा को मैनिपुलेट करने के काम में आती है। दूसरा, आपकी वैल्यू पॉजिटिव है या फिर आपकी वैल्यू जो आपका आउटपुट है वो नेगेटिव आया है, इसको भी इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लेफ्ट शिफ्ट या फिर राइट शिफ्ट ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है हमारा ट्रुथ टेबल। देखिए, एंड ऑपरेशन होगा, और ऑपरेशन होगा या फिर हमारा मल्टीप्लाई ऑपरेशन होगा, इन दोनों का आउटपुट अलग अलग आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एंड ऑपरेटर की। देखिए, एंड ऑपरेटर का बेसिकली मतलब ये है कि अगर दोनों वैल्यू मेरे पास में ट्रू हैं तभी जाके मेरे पास में मेरा आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, अगर आप इस पे एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पर आपके पास में आउटपुट 0 आता है। इसी तरीके से अगर x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है, तो 0 और 1 पे जब हम एंड करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास में आउटपुट 0 आएगा। इसी तरीके से 1 और 0 अगर आप एंड करते हैं तो यहाँ पर 0 आता है। 1 और 1 यानी कि दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, हमारी ट्रू हैं, तब जाके मेरे पास में यहाँ पर वैल्यू ट्रू आती है। एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि 0 का मतलब फॉल्स होता है और 1 का मतलब क्या होता है, ट्रू होता है। नाउ अब हम और ऑपरेटर की बात करते हैं। अगर हम और ऑपरेटर की बात करें तो और ऑपरेटर में कोई सी भी वैल्यू ट्रू हो, आपका आंसर क्या आएगा, हमेशा ट्रू आएगा। देखिए, 0 0 तो आंसर हमारा 0 आया, 0 और 1 है तो आंसर मेरा 1 आया, इसी तरीके से 1 और 0 है तो मेरा आंसर 1 आया, 1 1 है तो मेरा आंसर 1 आया। इसी तरीके से जो हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर होता है उसका भी यूज़ हम इसी तरीके से करते हैं। अगर हम 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा यहाँ पे इंटरनली क्या आता है, 1 1 1 आता है। तो स्टूडेंट्स, ये ट्रुथ टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको ये ध्यान में रखना है कि एंड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करोगे और ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करोगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बिट वाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे।
देखिए आपको ये ध्यान में रखना है कि जो हमारा एंड ऑपरेटर है वो हमारा एम्परसेंड से रिफ्लेक्ट होता है, यानी अगर इस तरीके का साइन आपको देखने को मिले तो वहाँ पर एंड ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। स्टूडेंट्स देखिए मेरे पास में यहाँ पर ए की वैल्यू 6 है और बी की वैल्यू क्या है 4 है, तो अगर हम इसको ए को बाइनरी में रिप्रेजेंट करें तो 0110 आएगा और बी को रिप्रेजेंट करें तो 0100 आएगा। मैंने आपको प्रीवियसली तो स्टूडेंट्स जो मैंने आपको बताया था कि ये बाइनरी वैल्यू कैसे निकालते हैं, आप 6 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए 2 3 6 रिमाइंडर बचा 0, इसके बाद में 2 1 2 रिमाइंडर बचा 0, नाउ रिमाइंडर बचा 1 आपका। नाउ स्टूडेंट्स तो मेरे पास में आंसर कितना आया 1 1 0 आया। बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए हम हमेशा 4 डिजिट्स लेते हैं, तो यहाँ पे 0110 ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाइनरी में इस तरीके से हम ए को रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से हमने बी को रिप्रेजेंट किया। 6 और 4 को जब हम कंबाइन करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए हमारा 10 आना चाहिए। तो इसी तरीके से 10 को जब आप बाइनरी में चेंज करेंगे तो आंसर मेरे पास में इस तरीके से मेरा आंसर आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि सपोज अब मैं इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू करूंगा, मेरे पास में मेन फंक्शन है, ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 14 है। नाउ अब मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो मैंने लिखा द आउटपुट ऑफ बिटवाइज एंड ऑपरेटर ए एंड बी इस परसेंटाइल डी, मैंने यहां पे परसेंटाइल डी लगाया तो मेरे पास में ए एंड बी आ गया। नाउ स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पे रेक्टिफिकेशन है, देखिए जब हम एंड ऑपरेटर करेंगे तो आंसर मेरा यहाँ पे क्या आना चाहिए इस तरीके से आना चाहिए, अगर हम प्लस कर रहे हैं 10, अदरवाइज अगर हम और ऑपरेशन एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि 0 0 0 हो गया, 1 0 आपका 1 हो गया, 1 1 आपका कितना हो जाता है, जब दोनों वैल्यू ट्रू होती हैं तभी हमारे पास में आंसर क्या आता है ट्रू आता है, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा। तो इस तरीके से हम ये प्रोग्राम बनाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स अब हम बिट वाइज और ऑपरेटर देखते हैं। अगर मैं बिट वाइज और ऑपरेटर की बात करूँ तो इसको हम और से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स ए की वैल्यू 23 है, जब आप इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा, और जब इसको हम 10 को रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरीके से आएगा। देखिए और में क्या होता है, कोई सा भी ट्रू हो हमारे पास में आंसर ट्रू में आता है। देखिए 101 हो गया, 111 हो गया, 101 हो गया, 011 हो गया, और 1 आपका यहाँ पे 1 आ गया। इसी तरीके से जैसे हमने एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया था कि जो इसका रिजल्ट आएगा वो इस तरीके से आएगा। 10 वैल्यू तो आएगी ही अगर हम एंड करते हैं, यहाँ पे प्लस कर देते हैं, 6 प्लस 4 कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में आंसर क्या है इसका इस तरीके का है कि दोनों ट्रू होंगे तब आपके पास में आंसर यहाँ पे ट्रू आता है। नाउ स्टूडेंट्स अब मैं इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू किस तरीके से इम्प्लीमेंट करूँगा। प्रोग्रामिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको क्या करना होता है, ए की वैल्यू कितनी है 23 है, बी की वैल्यू 10 है, तो केवल यहाँ पे क्या लगाना है परसेंटाइल डी लगाना है। हमने एक लिखा था आउटपुट ऑफ बिटवाइज और इज ए और बी, यानी यहाँ पे आपको सिंबल यूज़ करना है और आपके पास में डायरेक्टली यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर की। देखिए मैंने आपको प्रोग्रामिंग में कॉम्प्लीमेंट निकालना सिखाया था कि अगर मेरे पास में कोई बाइनरी वैल्यू है मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, वंस कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है तो 0 की जगह हम 1 लिख देते हैं और 1 की जगह हम 0 लिख देते हैं, तो यहाँ पर जो मेरा आउटपुट आएगा वो आएगा 011। एक चीज़ आपको और ध्यान में रखनी है कि कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम टाइल्ड सिंबल का यूज़ करते हैं, इस तरीके का सिंबल हमको आगे लगाना होता है तब जाके हमारे पास में कॉम्प्लीमेंट आता है। नाउ स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो जो हमारा टाइल्ड है वो हमारा यूनरी ऑपरेटर है, इट मींस ये केवल एक ऑपरेंड पर परफॉर्म होता है। सपोज मेरे पास में ए की वैल्यू 8 है, तो अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पे टाइल्ड का सिंबल लगाना पड़ेगा और आपके पास में यहाँ पर आपका आउटपुट आ जाएगा वंस कॉम्प्लीमेंट। तो मेरे पास में 1000 है तो यहाँ पे 0111 आ गया। एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, आंसर यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, ये डिपेंड करेगा आपकी साइंड वैल्यू है या फिर अनसाइंड वैल्यू है। नाउ स्टूडेंट्स
अब भाई प्रोग्राम देखते हैं। मैंने फाइल को इंक्लूड किया, मेन मेथड बनाया, ए की वैल्यू मैंने 8 असाइन की। इसके बाद में मैंने प्रिंट एफ स्टेटमेंट का यूज़ किया और लिखा द आउटपुट ऑफ बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर इज टाइल्ड ए इस परसेंटाइल डी। परसेंटाइल डी आपका ये दिखाता है कि आंसर इंटीजर में आएगा। यहाँ पे हमने टाइल्ड का सिंबल यूज़ कर लिया। नाउ स्टूडेंट्स, हम एक बार दोबारा एंड ऑपरेटर देखते हैं। एंड ऑपरेटर का बेसिकली मतलब क्या होता है, जब दोनों वैल्यू हमारे पास में ट्रू होंगी तभी आपके पास में आपका आउटपुट ट्रू आएगा। यहाँ पर अगर आपको बाइनरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसी भी डिजिट की, तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। जब हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास में आउटपुट आएगा 0110। इसी तरीके से 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आउटपुट आएगा 0100। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन है। ये मैंने 10 की वैल्यू लिखी है 1010, लेकिन एक्चुअल में रिजल्ट जो है वो आपका 0100 है। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद में सेम हमें क्या करना है, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है। इस प्रोग्राम में आप अगर एंड की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे ए एंड बी लिख देंगे, और की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ए और बी लिख देंगे, टाइल्ड वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप यूनरी ऑपरेटर की हेल्प से, जिसे हम कहते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट, आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, हम बात करें और ऑपरेटर की, तो और ऑपरेटर के लिए मेरे पास में सिंबल क्या दिया हुआ है, इस तरीके का और सिंबल दिया हुआ है। बाइनरी में मैंने आपको बता दिया, कोई सा भी नंबर आए इसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे, आपके पास में बाइनरी में डिजिट्स आ जाएंगे। इसी तरीके से बी को हमने डिवाइड किया, बाइनरी में मेरे पास में आउटपुट आ गया। नाउ अब हमने क्या किया, ऑपरेशन परफॉर्म किया। यहाँ पे कोई सी भी वैल्यू 1 हो, आंसर हमेशा क्या आएगा आपका 1 आएगा। तो 101 आ गया, 111 आ गया, 101 आ गया, 011 आ गया, 101 आ गया। नाउ स्टूडेंट, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम क्रिएट किया। यहाँ पर हमने क्या किया, और ऑपरेटर का यूज़ किया। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जिस तरीके का ऑपरेटर हम यूज़ कर रहे हैं उस तरीके का हमें सिंबल यहाँ पे यूज़ करना होता है। मैं आशा करता हूँ कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।